टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ, आपको बताया, भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से घर लौटते समय बड़ा हादसा हुआ है। रुड़की के नरसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ को पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया है। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऋषभ पंत की जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसकी तस्वीरें हैं, और आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है ऋषभ पंत की कार का। और जो कार है वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आसपास के जो रॉड्स लगे हुए हैं वो भी टूट चुके हैं और ऋषभ पंत की जो गाड़ी है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उम्मीद यही है कि ऋषभ पंत इसमें ठीक होंगे, वो इलाज के बाद जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तो खबर यही आ रही है कि ऋषभ पंत की कार का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हम बस यही दुआ करेंगे कि ऋषभ पंत पूरी तरह से ठीक हो, ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि ऋषभ पंत की कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।